अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सादा सिंपल टमाटे का सालन, जिसमें हम आलू डालने वाले हैं। तो जिसके लिए हमने चाहिए, हमने ये आधा किलो टमाटे लिए हैं 500 ग्राम, उसे इस तरह बारीक चॉप करके काट दिया है इसे, और 300 ग्राम मटन लिया है हमने, जिसमें हमने इस साइज़ के प्याज, तीन प्याज हमने पतले स्लाइस में काट के इसे गलने दिया है कुकर में, अदरक लहसुन और नमक और थोड़ा सा मीठा तेल डाल के इसे गलाया है हमने। मीठे तेल डालने से मटन है तो जल्दी गलता है, तो इसलिए हमने इसमें प्याज सब अदरक लहसुन नमक और हल्दी डाल के इसे गलाए हैं, 3-4 सीटी ले होने तक गलने दिया है। तो हमने ये 300 ग्राम मटन लिया है और 3 बड़े चमचे मीठा तेल लिया है सादा अपना, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, नमक आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, और 1.5 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर लिया है, और 4-5 हरी मिर्चियाँ, और गार्निशिंग के लिए और इसमें डालने के लिए हरा धनिया हमने 2 टेबल स्पून लिया है, और आलू है तो 150 ग्राम लिया है हमने। इसे छीलकर इस तरह से धो दिया हमने, और इसे हम थोड़ा सा तेल डालकर कुकर में इसको भूनकर इसे पानी डाल के इसको गलने देंगे, 1 सीटी होने तक गलने देंगे, और इसका शेरवा हमने निकाल के रख दिया है जो बाद में हम सालन में डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये मीठा तेल डाल लेंगे, इसको 1-2 मिनट थोड़ा गर्म होने देंगे। प्याज इसलिए नहीं डाल रहे हम क्योंकि हमारे गोश्त में, मटन में हमारे प्याज है डाली, तो इसके लिए हम इसे प्याज यूज नहीं कर रहे। थोड़ा 1 मिनट तक थोड़ा तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये सालन बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, इसे पुराने लोग, नानी दादी या जो भी है, पुराने लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये पतला पतला शोरबा टाइप रहता है, तो ये हमारे बहनों ने बहुत फरमाइश की थी, तो इसलिए आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। इसमें आलू के बदले आप भिंडी, अरवी या बैंगन, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, खाली अरवी को गलाना पड़ेगा, इसी तरह कुकर में डालकर गलाना पड़ेगा आपको अरवी को, बाकी भिंडी और बैंगन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर तल के फ्राई करके डाल देना, उसके सादे चावल के साथ सर्व करके बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है सालन। अभी हल्दी और मिर्ची डाल देंगे इसके बाद जो हमने रखा था, फिर उसके बाद हम इसमें ये टमाटे डालेंगे, फिर इसे 6-7 मिनट तक पकने तक इसे फुल गैस पर रहने देंगे, और फिर हम साथ ही साथ इसमें नमक डाल देंगे, नमक आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ी देर से हम ढक्कन ढक के 5-6 मिनट पकने देंगे, जब तक कि टमाटर पूरी तरह अच्छे से गल ना जाए, फिर उसके बाद हम इसमें मटन डालेंगे। ये इस तरह से हमारे टमाटर अभी पक रहे हैं, अभी गले नहीं है, इसको अच्छी तरह से गलने देंगे, फिर इसमें मटन डालकर इसको अच्छी तरह भुनने देंगे, तेल आने तक भुनेंगे। इस तरह हमारे टमाटर देखिए आप तरह गलना शुरू हो गए हैं, अब इसमें हम बाद में मटन डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से भून लेंगे।
ये अब हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसमें हम मटन डाल देंगे, ये जो हमने मटन रखा था ये इसे डालकर 6-7 मिनट और भूनेंगे, इसे और पकने देंगे। इसके बाद जो हमने आलू कुकर में लगा रहे हैं तो वो इसमें फिर बाद में डाल देंगे, इसे और 4-5 मिनट पकने देंगे। ये हमारा टमाटर का फ्राई है, हमने अच्छी तरह से भून लिया। इसमें अब तेल आना भी शुरू हो गया है। अब इसमें हम जो ये हरी मिर्ची रखी थी इसे हमने कट लगा दिए हैं, ये डाल देंगे। फिर ये जो हरा धनिया रखा था वो भी डाल देंगे। फिर 3-4 मिनट और पकने देंगे। इसके बाद इसमें जो आलू गलने के लिए हमने रखा है वो आलू डाल देंगे। इसमें थोड़ा और 1 कप पानी डालेंगे, इसमें शोरबे के लिए हम 1 कप और पानी डालेंगे। इस तरह से ये 2-3 मिनट और पकने देंगे हम इसे। इसमें आलू डाल दें, एक कुकर में हमने तेल डाल दिया है, उसमें हम ये थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारे आलू चिपके नहीं। इसमें हम एक के बाद एक आलू डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई होने तक भूनेंगे, फ्राई लाल होने तक। फिर उसके बाद हम इसे पानी डाल के इसको कुकर को लगा के थोड़ा गलने देंगे, 1 सीटी होने तक गलने देंगे। आलू को फ्राई करके डालने से आलू का टेस्ट और अच्छा उभर कर आता है। अब ये आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं, फिर हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप पानी डाल के इसको कुकर लगा देंगे। ये आलू हमारे इस तरह ब्राउन हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम ये 1/2 कप पानी डाल देंगे और फिर कुकर लगा के 1 सीटी होने तक गलने देंगे, सिर्फ 1 सीटी होने तक गलने देंगे। थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे हम। ये हमारे आलू जो हमने कुकर में लगाए थे 1 सीटी होने तक गलने दिया है, हमने गल चुके हैं हमारे आलू। इसमें हम डालते हैं, हमने 3-4 मिनट तक पहले भुना है, फिर उसके बाद आलू डाल देंगे और 4-5 मिनट इस तरह पकने देंगे। इसके बाद हमने ये जो बाकी का शोरबा रखा था वो भी डाल देंगे। अगर आप खाना गाढ़ा पसंद करते हैं अगर, तो आप इसे गाढ़ा भी रहने दे सकते हैं, और अगर पतला करना चाहते तो इसमें और 1 कप पानी हम गर्म करके डालेंगे। कभी भी याद रखो बहनों, जब भी आप पानी डालें कोई भी सालन में, तो आप उसमें गर्म पानी करके डालें, इससे तरी अच्छी आती है। तो अब इसमें हम 1 कप पानी गर्म करके और डाल देंगे और 3-4 मिनट दम पे पकने देंगे, धीमी आंच पे पकने देंगे। तब तक तेल ना आए, तब तक अब इसमें हम ये 1 प्याली गरम करके पानी डालेंगे। टोटल इसमें हमने 2 प्याली पानी डाला है, मटन में जो शोरबा था वो भी, और 1 प्याली डाल के ऐसा टोटल 2 प्याली डाला है। आपके हिसाब से रख सकते हैं। इसके साथ फीकी दाल और ठेसा और चावल खूब टेस्टी लगते हैं। इसके साथ कभी भी याद रखें बहनों, फीकी दाल बनाना, आपको इंशाल्लाह फीकी दाल भी बनाना बताएंगे और ठेसा भी बताना बताएंगे इंशाल्लाह। अब ये सालन हमारा पक रहा है, अब इसको हम धीमी आंच पे 3-4 मिनट पकने देंगे और फिर हमारा सालन तैयार है। ये हमारा सालन पक चुका है, हमने गैस बुझा दिया है। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे इस तरह से। लीजिए, ये हमारा सादा सिंपल टमाटे का सालन तैयार है, जिसे हम सादे चावल के साथ
सर्व कर रहे हैं। बहनों, अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।